क्या हाल है गाइस, मैं हूं सिद्धार्थ फ्रॉम माय बटर ऑफ और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको एक दिन में कितने मील्स खाने चाहिए। एक मील खाना चाहिए, तीन मील्स खाने चाहिए, छह मील्स खाने चाहिए। जानेंगे कि मील फ्रीक्वेंसी का कितना बड़ा रोल है आपके फैट लॉस और मसल गेंस के लिए। हर बात मैं एकदम बारीकी से डिस्कस करूंगा, तो जानने के लिए आप वीडियो एंड तक देखते रहिए। गाइस, आपने अक्सर सुना होगा बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस कम्युनिटी में कि मसल गेंस के लिए रिकमेंड किया जाता है कि आप हर 2 से 3 घंटे में एक मील खाते रहें। इससे आपकी बॉडी एनाबॉलिक मोड में रहेगी और आपके गेंस ऑप्टिमाइज होंगे। इसी तरह आपने फैट लॉस के लिए भी शायद सुना हो कि मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है अगर आप हर 2-3 घंटे में छोटे छोटे मील्स खाते रहें तो, क्योंकि आपकी बॉडी हर वक्त डाइजेशन में बिजी रहेगी और ज़्यादा एनर्जी बर्न करेगी और इस कारण आपका ज़्यादा फैट लॉस होगा। प्रो बॉडी बिल्डर्स की अगर आप सुन लें तो eating as a bodybuilder, you have to be willing to eat 6 to 10 meals a day. I'll be eating 7-8 times a day. And that's why it hurts. तो क्या यहाँ पे माजरा है, कितने मील्स आपको खाने चाहिए, क्या बेस्ट रहेगा, क्या 6 एक मैजिकल नंबर है फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग के लिए? तो एक एक करके सोचते हैं साइंस का यहाँ पे क्या कहना है। कई जहाँ तक बात है फैट लॉस की, तो वो आपके नेट कैलोरी डेफिसिट पे डिपेंड करता है, आपके नेट कैलोरी इनटेक पे। और वो कैलोरी इनटेक आप दिन में 3 बड़े मील से खाते हो या फिर 6 छोटे मील से, आपकी मील फ्रिक्वेंसी आप क्या चुनते हो, इस बात से फैट लॉस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और इस पर एक नहीं 50 स्टडीज हो चुकी हैं। 2010 की एक स्टडी में कैमरन एंड कॉलिक्स ने देखा कि एज लॉन्ग एज आप दिन भर में बराबर खाना खा रहे हो, तो चाहे आप वो कैलोरीज 3 मील्स में खाओ या फिर 3 मील्स और 3 स्नैक्स में, आपके वेट लॉस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और सेम ही वेट लॉस होगा। और 2015 में एक लैंडमार्क मेटा एनालिसिस में ब्रैड शॉनफील्ड एंड कॉलिक्स ने 15 स्टडीज को एनालाइज करके कंक्लूड किया कि चाहे आप दिन में 1 मील खाओ या 5, एज लॉन्ग एज आपका कैलोरी इनटेक सेम है, आपके फैट लॉस या फिर बॉडी कंपोजिशन के चेंज पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और गाइस, जहाँ तक बात है मेटाबॉलिज्म की, तो हाँ, मेटाबॉलिज्म का एक टुकड़ा आपके फूड इनटेक पे डिपेंड करता है। इसको कहते हैं थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, यानी कि आपको फूड को डाइजेस्ट करने में कितनी एनर्जी लगती है। और गाइस, ये हर मैक्रोन्यूट्रिएंट के लिए अलग होता है। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी लगती है 25%, और फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए हमें सबसे कम एनर्जी लगती है लगभग 5%। कार्ब्स का वेरी करता है डिपेंडिंग उसमें फाइबर कितना है, 5 से 25% के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो ये जो एनर्जी हमें लगती है डाइजेस्ट करने में थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, ये डिपेंड करता है कि आपकी डाइट में मैक्रोन्यूट्रिएंट कॉम्पोजिशन क्या है और आप फाइबर कितना खा रहे हो, ना कि आप कितनी मील्स लगा रहे हो अपने मैक्रोस हिट करने के लिए। आप यूँ समझ लीजिए कि आपके टोटल कैलोरी इनटेक का, दिन भर में आप जितनी भी कैलोरीज खाते हो उसका लगभग 10% होता है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड ऑन एन एवरेज। तो अगर आपने खानी है 3000 कैलोरीज, आप उसको 3 बड़े मील्स में खा सकते हो 1000 कैलोरीज के, या फिर 6 छोटे मील्स खा सकते हो 500 कैलोरीज के, या फिर कोई भी और कॉम्बिनेशन। पर इन सभी केसेस में थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड होगा 10%, यानी कि लगभग 300 कैलोरीज। तो फैट लॉस और मेटाबॉलिज्म पे तो घंटा फर्क नहीं पड़ता मील फ्रीक्वेंसी का, पर इसका मतलब ये नहीं है मील फ्रीक्वेंसी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मेरे ख्याल में आपके फिटनेस प्लान में मील फ्रीक्वेंसी के 2 बड़े रोल्स हैं। पहला और सबसे बड़ा रोल गाइस आपका सेटाइटी और हंगर मैनेजमेंट। सबसे बड़ा इसलिए गाइस क्योंकि किसी भी डाइट का फाउंडेशन होता है उसकी अडेयरेंस, कि आप उस डाइट से स्टिक कर पाओ। अगर हम स्टिक ही नहीं कर पाएंगे डाइट से तो फिर रिजल्ट्स कैसे आएंगे? तो यहाँ ज़रूरी है कि अपने मैक्रोस हिट करने के लिए हम एक ऐसा मील पैटर्न चूज़ करें जो हमारी सेटाइटी अच्छी रखे और हमारी भूख को भी अच्छे से मैनेज करे। यहाँ गाइस मेरे हिसाब में 2 बड़े प्लेयर्स आते हैं, आपकी लाइफस्टाइल और आपका कैलोरी बजट। कौन सा मील पैटर्न आपकी लाइफस्टाइल को सबसे अच्छी तरीके से सूट करता है? क्या आपको ब्रेकफास्ट स्किप करना पसंद है और फिर बाद के मील्स बड़े करना पसंद है, या फिर उल्टा कि डिनर आप लाइट रखना पसंद करते हो और ब्रेकफास्ट हैवी रखना पसंद करते हो? आपकी प्रेफरेंस क्या है? जो भी आपकी प्रेफरेंस और लाइफस्टाइल है उस हिसाब से आप एक मील पैटर्न चूज़ करें। और कैलोरी बजट भी यहाँ इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि कुछ लोग फैट लॉस के दौरान सिर्फ 1200 से 1300 कैलोरीज पर डाइट करते हैं। तो ऐसे में अगर 3 आप मीडियम साइज मील्स खाएंगे 400 कैलोरीज के, तो वो आपको थोड़ा सेटाइटी ज़्यादा बढ़ाएगा। और वहीं अगर आप 6 छोटे छोटे मील्स खाएं 200-150 कैलोरीज के, तो आपको भी मजाक जैसा लगेगा और आप उसे सस्टेन नहीं कर पाएंगे, परेशानी ज़्यादा होगी। और इसी तरह दूसरे छोर पे अगर आपकी कैलोरी डिमांड्स हाई हैं, आपको 3000 कैलोरीज खानी है दिन भर में, तो वहाँ आप 5-6 मील्स में कवर करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर फील होगा। जैसे हमने शुरू में प्रो बॉडी बिल्डर्स की बात की थी, उन्हें 5000 कैलोरीज खानी होती है दिन में, तो भाई वहाँ कम से कम 6 मील्स तो लग ही जाएंगे 5000 कैलोरीज कवर करने में। तो मील फ्रीक्वेंसी गाइस वो बेस्ट है जो आपके कैलोरी इनटेक को सबसे अच्छी तरीके से मैनेज करें और आसानी से आप जिसके थ्रू मैक्रोस हिट कर पाओ। और दूसरा बड़ा रोल गाइस जो मील फ्रीक्वेंसी का हो सकता है, वो है आपकी मसल प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। गाइस, मसल प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि आपकी मसल्स का ग्रोथ और रिपेयर प्रोटीन को यूज करके। तो क्या आपको हर 2-3 घंटे में एक मील करना जरूरी है एनाबॉलिक रहने के लिए? नहीं,
गाइस एक एवरेज साइज मील भी अगर आप खा रहे हैं जिसमें 20 से 40 ग्राम प्रोटीन है तो आपको आराम से 5-6 घंटे तक तो एनाबॉलिक रखेगा ही, और उसके बाद भी अगर किसी दिन आप बाय चांस नहीं खा पा रहे हो मील, 2-3 घंटे और लेट हो गए, तो कोई दुनिया खत्म नहीं हो रही है यहाँ पे, आपका मसल लॉस होना शुरू नहीं हो जाएगा, बेफिक्र रहिए। हालांकि थियोरेटिकली गाइस हम जानते हैं कि किसी भी मील से आपका जो मसल प्रोटीन सिंथेसिस है वो एक लिमिट तक ही राइज कर सकता है, यानी कि अगर आपके मील में 20 से 40 ग्राम प्रोटीन है तो आपको प्रोटीन के सारे फायदे मिल जाएंगे उस मील से, और अगर उसमें और ज़्यादा प्रोटीन होता तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप ज़्यादा प्रोटीन एक मील में खा रहे हो तो वो वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि गाइस जितना बड़ा मील होता है उतना ज़्यादा टाइम उसको डाइजेस्ट करने में भी लगता है। ऐसा नहीं होता कि आपने एक मील खाया वो गया पेट में फटाफट, डाइजेस्ट हो गया, ब्लड में गया, मसल में गया, टाइम लगता है, और हर प्रोटीन का डाइजेशन रेट अलग होता है। फास्टेस्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन भी 8 से 10 ग्राम के रेट पर डाइजेस्ट होते हैं, और वो तब जब आप उनको अकेले खाओ, जब आप एक मिक्स्ड मील में प्रोटीन खाओगे तो उसका डाइजेशन रेट और स्लो हो जाता है। इसलिए इस बात का प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है रियल वर्ल्ड में ये क्लियर नहीं है, क्योंकि गाइस जो लोग इंटरमीडियंट फास्टिंग करते हैं और एक या दो मील में अपना सारा प्रोटीन इंटेक खाते हैं उनको कोई रिजल्ट्स कम नहीं मिल रहे हैं, बराबर प्रोग्रेस वो भी कर रहे हैं। पर हैबिट बनाने के तौर पर रिकमेंड किया जाता है कि आप अपने प्रोटीन इंटेक को 3 से 4 मील्स में रफली डिवाइड कर लें, और ज़्यादातर लोग करते ही हैं, मैं बहुत कम लोगों से मिला हूँ जो सारा प्रोटीन एक मील में खाना चाहते हैं, क्योंकि फिर वो मील काफ़ी इंबैलेंस हो जाता है और हर किसी को पसंद नहीं है इतना सारा प्रोटीन एक साथ खाना। वैसे उन चीज़ों में से एक है जिसकी हमारे पास अभी कोई रिसर्च स्टडी एकदम पुख्ता नहीं है, लॉन्ग टर्म कोई रिसर्च स्टडी हुई नहीं है जिसने डिफरेंट मील फ्रिक्वेंसीज को कंपेयर किया हो सेम प्रोटीन इंटेक के लिए। पर हाँ, ये एक ऐसी बात है जो बड़ी आसानी से हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इट्स नॉट टू मच टू आस्क। आप आराम से 3-4 फीडिंग में अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है और पोटेंशियल थोड़ा सा फायदा ही है। तो गाइस यही सब बातें थी, और टेक अवे ये है कि आपका फिटनेस गोल की तरफ जो प्रोग्रेस है वो डिपेंड करता है आपके दिन भर के कैलोरी इंटेक पे और प्रोटीन इंटेक पे। अब आप ये कैलोरीज और मैक्रोज 2 मील में हिट करते हो, 4 मील में हिट करते हो, या 6 मील में हिट करते हो, ये आपकी चॉइस है। मील फ्रिक्वेंसी को आप एक सहूलियत की तरह देखें और वो मील फ्रिक्वेंसी चूज करें जो आपकी लाइफस्टाइल सूट करती हो, और आपके मैक्रोज हिट करना आपके लिए सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट बना के रखें। ज़्यादातर लोगों को ये बैलेंस 3 से 6 मील्स के बीच में कहीं ना कहीं मिलेगा। 3 से कम मील्स कुछ ज़्यादा ही कम हो जाता है, और 6 से ज़्यादा मील्स कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा हो जाता है, और दोनों केसेस में आप हर वक्त अपने अगले मील के बारे में सोचते रहेंगे, जो कि एक परेशानी है। दैट बिंग सेड, अगर आपको 3 से कम मील्स खाना पसंद है तो आप बिल्कुल 3 से कम मील्स खाइए, 6 से ज़्यादा अगर आपको खाना पसंद है तो मैं आपको नहीं रोकूंगा, कोई नहीं रोक सकता, कोई उसका नुकसान नहीं है ना कोई फ़ायदा है, आप 6 से ज़्यादा मील्स खाइए। और प्रोटीन डिस्ट्रीब्यूशन आप मान के चलिए कि आपको 3 से 4 मील्स के बीच में रफली डिवाइड करना है, और ये आप में से ज़्यादा लोग ऑलरेडी कर ही रहे होंगे मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि एक प्रोटीन मील तो अपना पोस्ट वर्कआउट में हो जाता है, एक प्रोटीन मील अपना प्री वर्कआउट में हो जाता है, उसके अलावा आप दिन में कहीं भी बचा हुआ प्रोटीन बांट दीजिए, बात वही पड़ेगी। गाइस हमेशा याद रखिएगा कि जब भी डाइट की बात आती है तो वो चाहे डाइट का कोई भी पहलू हो, सबसे ज़्यादा मैटर ये करता है कि आप 24 घंटे के ब्लॉक्स में क्या करते हो, ना कि आप 2-2, 3-3 घंटे के ब्लॉक्स में क्या करते हो, और मील फ्रिक्वेंसी के लिए भी यही लागू होता है। सो गाइस आई होप ये वीडियो हेल्पफुल था, सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, इतना ही सिंपल है गाइस ये, एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने कुछ नया सीखा होगा। पसंद आया तो एक लाइक छोड़ दीजिएगा, कॉमेंट्स में बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और ये भी बताइए कि आपकी मील फ्रिक्वेंसी क्या रहती है ज़्यादातर दिनों पर, क्या मील पैटर्न आप फॉलो करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में गाइस, तब तक के लिए पीस आउट।